श्री अकाल तख्त साहिब दे जथेदार ज्ञानी रघुबीर सिंह नूं अज एसजीपीसी मैंबर मिठू सिंह कानके महेंद्र सिंह हुसैनपुरा ते उन्हां दे दो साथियों दे वल्लों मंग पत्र सौंपिया गया ते सुखबीर सिंह बादल खिलाफ शिकायत दित्ती गई। उन्हां दे वल्लों कहा गया है कि श्री अकाल तख्त साहिब ते तनखाहियां करा दित्ते जाण दे बावजूद भी सुखबीर सिंह बादल दे वल्लों शरेआम सिख संगत श्रोमणी कमेटी दे मैंबरां ते प्रधान श्रोमणी कमेटी नाल सीधे तौर ते मीटिंगां कीतियां जा रही हैं ते श्री अकाल तख्त साहिब दी मान मर्यादा सिद्धांत ते सन्मान नूं वड्डी ढाल लाई जा रही है जो बेहद दुखदाई है। सिख कौम तां पहलां ही इन्हां दीआं कीतियां दी सज़ा भुगत रही है। उन्होंने कहा कि सिख कौम की सर्वोच्च संस्था श्रोमणी कमेटी के प्रधान वालों श्री अकाल तख्त साहिब ते जारी हुक्मनामिया नूं ही नहीं मन्निया जा रहा ते तनखाहियां ऐलाने गए सुखबीर सिंह बादल दे निरंतर संपर्क विच ने जिसका विस्तार असीं तुहानूं दे रहे हां। उन्होंने कहा कि हरजिंदर सिंह धामी के कार्यकाल में सब तो माड़े कार्यकाल वजो देखा जाएगा जिसने श्रोमणी कमेटी में एक निजी संपत्ति वाग वरत्या। श्री अकाल तख्त साहिब के किसी भी आदेश की पालना नहीं की। जिकर श्रोमणी अकाली दल श्रोमणी कमेटी के अहदेदार प्रधान श्रोमणी कमेटी ही श्री अकाल तख्त साहिब के हुक्मनामिया चैलेंज करेंगे तो आम सिखा बारे की प्रभाव पवेगा। सो कृपा करके सुखबीर सिंह बादल के मौजूदा श्रोमणी कमेटी के प्रधान हरजिंदर सिंह धामी के खिलाफ मर्यादा तहत कार्रवाई की जानी चाहिए है। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਰਐਸ ਆਪ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਨਾਗਪੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਨਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮਨੈਸਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਦਈਆਂ ਔਰ ਪੂਰਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸੋਚ ਕੇ ਵਧੀਆ ਵਿਚਾਰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। हांजी वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह। जी श्री अकाल तख्त साहब वालों सरदार सुखबीर सिंह बादल नूं तनखाहिया करार दिता गया और तनखाहिया करार देने दे बावजूद भी श्री सुखबीर सिंह बादल आ जिहड़ा उह लगातार श्रोमी कमेटी मैंबरां नूं लोकां नूं ते मतलब जनतक कट्ठां दे विच उह जा के जो तनखाइया होने का मतलब निजम है उसकी उलंघना कर रहे हैं। अकाल तख्त साहब चैलेंज कर रहे हैं। अकाल तख्त साहब के दे हुक्मों को उलंघ रहे हैं। असी इत्थे आके मंग की है कि सरदार सुखबीर सिंह बादल जो श्री अकाल तख्त साहब वालों तनखाइया करा दिते गए हैं उन हुण अकाल तख्त साहब के हुक्मों की उलंघना कर रहे हैं। उन्हां खिलाफ बनती है जी कार्रवाई की जाए। दूजी गल दूजी बेनती असी अकाल तख्त साहब दे अगे ये की आके मंग पत्र राही कि सरदार हरजिंदर सिंह धामी जो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान उन्होंने भी पिछले समय बहुत बड़िया गलतियां कीतियां गईयां ते उन्होंने अकाल तख्त साहब के आदेशों नूं समय समय सिर नहीं प्रवान किया। 8 अप्रैल 2022 जो अकाल तख्त साहब ने वखरा चैनल चलाउण PTC चैनल तो इलावा आपका श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को वक्खरा चैनल चलाने का जो आदेश दिता गया सी कि एक हफ्ते के अंदर अंदर तुसी मतलब आपका चलाओ तो उदों वरों जिहड़ा मतलब है अपना दूजा चैनल है जिहड़ा आपका चैनल है जिहड़ा वह तुसी एक महीने अंदर अंदर शुरू करो। उस आदेश नूं भी नहीं सरदार हरजिंदर सिंह धामी ने हाल तक 2.5 साल हो गए प्रवान किया और नाल ही बंदी सिंघां दे संबंध विच समय समय सिर प्रोग्राम लीके जाते रहे और बंदी सिंघां दे संबंध में श्री अकाल तख्त साहब वालों जो आदेश दिता गया सी जो श्री अकाल तख्त साहब दे जथेदार साहब ते हरजिंदर सिंह धामी जेल दे विच मतलब मिलन गए ने पटियाले जेल दे विच फांसी दे मतलब कैद विच बंद सिंह साहिबां सिंह नूं और उत्थे मतलब ये गल तय हो गई सी। सिंह साहिबान ने ये फैसला दिता सी आदेश दिता सी कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है जी आदेश एक महीना के अंदर अंदर कोई ना कोई कार्रवाई करे तो जिदे तहत एक प्रोग्राम दिल्ली विखे जाने का श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी प्रधान जी ने बाकी पंथक जथेबंदियों मिल के एक प्रोग्राम बनाया सीगा। वो प्रोग्राम एक दिन पहला हरजिंदर सिंह धामी ने वो वापस ले लिया सीगा ते इसे तरह जिहड़े 24-25 लाख के नेड़ तेड़ दस्तखत करवाए हुए ने बंदी सिंघां दे संबंध में वो दस्तखत भी हरजिंदर सिंह धामी देश के राष्ट्रपति पास पहुँचता नहीं कर सके ना वो भी जिहड़े दस्तखत ने अज इन्हां दफ्तरां च
कर लो गवर्नर हाउस तक पंजाब तक उत्थे तक भी ये नहीं पहुंच सके है ना। सो ये सारिया नाकामिया करके और नाल ही समय समय सर जो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान ही श्री अकाल तख्त साहब के संदेश को नहीं मनणगे तो होर कौन मनूगा। जो श्रोमणी अकाली दल का प्रधान ही अकाल तख्त साहब के संदेश को नहीं मनूगा तो होर कौन मनूगा। सो इस असी ये मंग पत्र मेमोरेंडम लैके श्री अकाल तख्त साहब उत्ते पेश हुए हैं। मेरे नाल सरदार महेंद्र सिंह जी हसैनपुर जो थोड़े सामने करे, सुरेंद्र सिंह जी भूले राठा और मलकीत सिंह जी चंगाल, असी चार मैंबर साहबाना ने अज ये अकाल तख्त साहब उत्ते मंग पत्र देके मेरा नाम मास्टर मिठू सिंह कान्हे के मैंबर श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी हलका मानसा, असी चार जना ने अकाल तख्त साहब उत्ते मंग पत्र दे के मेमोरेंडम दे के मंग की है कि सरदार सुखबीर सिंह बादल तनखाइया करार जो उन्होंने भी बनती हूँ दोबारा कार्रवाई की जाए और नाल ही हरजिंदर सिंह धामी ने भी अकाल तख्त उत्ते तलब किया जाए, तलब करके उन्होंने उत्ते बनती कार्रवाई है जी वह भी की जाए। तो इस जो पत्र दे विच दर्ज बेनती आन गया उन्होंने संबंध में संखेप में तुहानू मैं दस रहा जी। वाहिगुरू जी का खालसा। श्रोमणी कमेटी के मैंबरों के वालों तो श्री अकाल तख्त साहब में एक शिकायत पत्र सौंपा गया है, हुण वेखना होगा कि उन्होंने उपर की कार्रवाई होगी। अमृतसर तो मुकेश मेहरा की रिपोर्ट, सचिव वी एन आर आई।